दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज की बैक डिजाइन कैसे बनाएं। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये मैंने फ्रेंड का ब्लाउज कट कर लिया है, ये पीस बचा हुआ है, इसमें से मैं आपको बैक डिजाइन बताऊंगी। उसके बाद आप जितना आपका ब्लाउज का लंबाई है आप अपने साइज के अनुसार ले सकते हैं। जैसे कि मुझे 14 इंच चाहिए, लेकिन मैंने 15 इंच लिया है। हाफ इंच हमारा नीचे हम फोल्ड करने में जाएगा और हाफ इंच शोल्डर पे। ये बोट नेक में है, ये बैक नेक डिजाइन है। तो ये मैंने ओपन हिस्सा है, यहाँ पे मैं नेक कट करूँगी, ये क्लोज है, यहाँ से भी हम कट कर देंगे, दो पीस सेपरेट हो जाएंगे। और ये जो बोट नेक में है तो शोल्डर है 14 इंच, मुड्डे 7 इंच, चेस्ट 34 साइज। तो जब हम तैयार करेंगे इसको तो पीसों को एक जैसा कर लें, तो ये 8.5 इंच आएगा, 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे तो 10.5 इंच लेंगे। स्ट्रेट लाइन खींच लें, मुड्डे 1.5 इंच गुलाई, तो ये हमारे मुड्डे की गुलाई हो गई, ये हमारा नीचे कट हो जाएगा। अभी हम इसमें नेक रखते हैं, ये क्लोज रहेगा, ओनली बोट नेक रहेगा। तो बोट नेक हम 3.5 इंच ले रहे हैं, शोल्डर से भी 3.5 इंच, और एक बॉक्स बना लेते हैं। जैसे नेट क्लॉथ है थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, थ्रेड जा जाते हैं बीच में। गोलाई 1.5 इंच, तो ये तो हम नेक कट कर देंगे। तो जो हमने ये ड्राफ्ट किया है इसको सेम ड्राफ्ट में हम इसमें कट कर लेते हैं। यहाँ क्रॉस में भी हाफ इंच ले लेते हैं, शोल्डर से लेके नेक की तरफ। ये बोट नेक कट हो गया, अभी यहाँ पे भी हम नेक देने वाले हैं। अब जो आपको मेजरमेंट लेना है आपको शोल्डर से लेना है, कितना डीप इसको रखना चाहते हैं। जैसे कि मैं इसको 10.5 इंच ले रही हूँ, तो 10.5 इंच पे हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं, शोल्डर टू नेक नीचे तक। जो हमारी पट्टी रहेगी, देखिए ये तैयार में 4 इंच के आसपास रहेगी हमारी, इधर भी स्टिचिंग हो जाएगा, ऊपर भी जाएगा। इसमें आप कोई भी शेप दे सकते हैं, और जैसे कि मैं इसमें थोड़ा ड्रॉप जैसा शेप दे रही हूँ, तो यहाँ से 3.5 इंच ले लें, और यहाँ पे हाफ इंच छोड़ दें, जो कि हम इसको सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। आप चाहे तो 1 इंच भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि हाफ इंच रखेंगे तो सिलाई में चला जाएगा, 1 इंच रखें। तो ये मैंने 1 इंच ले लिया है, और 1 इंच से मैं इस तरह से इसमें निशान लगा रहा, क्रॉस में ले रही हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ। और यहाँ से हम स्ट्रेट ही रखेंगे, यहाँ पर नीचे गुलाई नहीं दे रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से। अभी जो हम इसमें जो लाइनिंग जो अटैच करेंगे, वो यहाँ साइड में लाइनिंग नहीं रहेगा, ओनली यहाँ से लेके इस पीस में लाइनिंग रहेगा। तो उसकी आपको भी कटिंग बताती हूँ, इसको हम अभी साइड में रखते हैं। तो ये 3 पीस है, ये रॉ सिल्क क्लॉथ भी रहेगा इसमें और लाइनिंग भी रहेगा। तो इस पीस को हम पहले इस तरह से रख लेते हैं। तो मैंने जो रखा है वो देखिए यहाँ तक रखा है, कि मेजरमेंट बता देती हूँ, 2 इंच ऊपर छोड़ दिया, उसके बाद मैंने ये लाइनिंग रखा है। अभी आपको किस तरह से डालना है वो आपकी डिपेंडेंट है, या तो आप यहाँ से भी इसको अटैच कर सकते लग सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपको मुड्ढे से चाहिए, आप चाहते हैं कि ये विदाउट लाइनिंग नहीं चाहिए आपको, तो आप इसको नीचे रख लें इस तरह से मुड्ढे की साइड, तो आपको यहाँ से लाइनिंग रहेगा, ये विदाउट लाइनिंग रहेगा। तो जो ड्रॉ करना है आप नेट क्लॉथ पर ड्रॉ कर सकते हैं।
और यहाँ पे भी निशान लगा दें और यहाँ पर भी लगा दें। तो देखिए हल्का हल्का सा जा रहा है, तो अभी हम इसको एक पीस को हटा के डार्क कर देते हैं। अभी इसको हटाएंगे तो देखिए हमारा ये हल्की सी लाइन ड्रॉ हो गई है, इसको आप डार्क कर लें। और पहले इस पीस को कट कर लें। और इसको भी इसी तरह रखें। अभी यहां से लेके यहां तक भी ड्रॉ कर लें। अब इस पीस को हटा दें, इसको भी हटा दें, ये पीस को भी। तो देखिए ये पीस इस तरह से। अब इसी तरह मैं लाइनिंग भी कट कर लूंगी इसका। तो मैंने ये लाइनिंग भी कट कर लिया है, ये ब्लाउज जो मैंने कट कर लिया है। अभी आपको स्टिचिंग का तरीका बताती हूँ। तो ये राइट साइड का है, अभी हम इसको साइड में रखते हैं और जो ये पीस है इसको हम नीचे रखेंगे सीधा पीस, और इसके ऊपर हम लाइनिंग रख लेते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हम इसको स्टिच कर देंगे। अब स्टिच होने के बाद इसको हम इस तरह से पलट देंगे। तो देखिए ये इस तरह से आ रहा है, हमको नेक पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अभी हम इसको किनारे पे स्टिच डाल देते हैं जिससे कि ये सेट हो जाएगा। देखिए ये पीस हमारा तैयार हो गया। अभी जो हमारा ये ब्लाउज है, अब इसको हम इसके ऊपर इस तरह से रख देते हैं। देखिए जो हमने निशान लगाया था सेम, जो ये एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर देंगे और इसको हम हाफ इंच ऊपर की तरफ रखेंगे क्योंकि इसमें नेक पट्टी लगानी है। तो अब इस तरह से इसको सेट कर लें। सेट करने के बाद सेम इसको स्टिच कर दें। सेट हो गए, अभी हम इसके चारों तरफ स्टिच डाल देते हैं। ये तीन पीस एक साथ अटैच हो जाएंगे। अभी इसको स्ट्रेट कट कर देते हैं। तो देखिए ये इस तरह से हो गया। अभी हम नॉर्मल जैसे ब्लाउज में प्लेट डालते हैं वैसी प्लेट डाल देंगे। देखिए हमारी प्लेट भी पड़ गई। अभी ये मैंने कपड़ा लिया है, ये मैंने 3 इंच के आसपास चौड़ाई ली है इसकी, और इसको इस तरह से डबल फोल्ड, क्योंकि थोड़ा टाइट रहेगा कमर में, हैवी तो अच्छा लगेगा। हम अब हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक अटैच कर देते हैं। उसके ऊपर किनारे पे सिलाई डाल देते हैं। किनारे पे सिलाई डालने के बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। जब यहाँ पे हम तुरपाई कर देंगे तो इस सिलाई को हम निकाल देंगे। तो ये तैयार हो गया। यहाँ पे हम अभी हुक पट्टी लगाते हैं। तो आप इस तरह से ये रखें और इसको हाफ इंच अंदर की साइड दबा दें। इसको भी सेम यहाँ पर स्टिच करें और उसके बाद हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर भी तुरपाई कर दें, उसके बाद सिलाई निकाल दें क्योंकि नेटेड क्लॉथ है। तो ये हमारा तैयार हो गया। अभी जो नेक है उसके लिए भी ये पट्टी मैंने कट कर ली थी नेट की 1 इंच चौड़ी।
और जो ये आगे पीछे इसको बराबर कर दें और इस पट्टी को डबल फोल्ड करें और नेक से स्टार्ट कर दें। यहाँ से लेके पूरा बोट नेक तक एक ही में स्टिच कर देंगे। इसमें कोई प्लेट नहीं डालनी है, डायरेक्ट इसी तरह स्टिच करना। यहाँ पे टर्न ले ले और फिर से जो ये हमारा 1 इंच था यहाँ पे भी इस तरह से ले ले। अभी जैसे कोई जो हमने पट्टी ज्वाइंट करी है आगे पीछे, उसको थोड़ा सा शेप देते हैं। उसके बाद आप चाहें तो तुरपाई कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पर भी स्टिच नहीं डाल रही हूँ, डायरेक्ट इस तरह से इसको फोल्ड कर दूंगी। इस तरह दबाते जाए पट्टी को जो हमने लिया। तो देखिए हमारा नेक भी तैयार हो गया और जो हमने ये पीस तैयार किया है ये इस तरह से उल्टे में देखेंगे तो आप इस तरह से आएगा। और इसी तरह में दूसरा पीस भी तैयार कर लिया, तो देखिए इस तरह से आएगा। यहाँ पे हम एक हुक लगा देंगे और ऊपर से आप इसमें 100 बटन लगा सकते हैं और नीचे भी हम इस पर हुक लगा देंगे। तो जैसे इधर मैंने काज पट्टी रखी है तो यहाँ पे आपको काज बनाने हैं और राइट साइड में आपको हुक लगाने हैं। हुक काज हो जाएंगे तो ये इस तरह से आएगा लुक। और ये हमारा ऊपर है, ये मैंने एक लुक बनाया है इस तरह का, डोरी कैसे बनाते हैं उसका वीडियो भी डाला है मैंने, वो भी देख सकते हैं। और इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर अटैच कर दूँगी अंदर की साइड में। और ये मैंने बटन लिया है जो कि मैं यहाँ पर अटैच करूँगी। तो जब आप इस बटन को इस तरह से लुक में निकालेंगे तो इसका लुक इस तरह से आएगा। इसको स्टिच कर देंगे और बाद में, पहले हम इसको स्टिच कर देते हैं उसके बाद दिखाते हैं। तो इसमें मैंने लूप लगा दी है। अभी मैंने ये लेस ली है जो कि मैं ये पूरा नेक में लगाऊंगी, तो बताती हूँ किस तरह आपको लगानी है। तो हम इसको नेक से स्टार्ट कर रहे हैं। और जो नेक शेप है सेम शेप में इसको स्टिच कर दें। से जो हमारा ये नेक है मैं यहीं पे इसको स्टॉप करूंगी। जैसे मैंने इसको यहीं पे स्टॉप कर दिया था इसलिए क्योंकि ये जो हमारा डिजाइन आ रहा है मैं यहाँ पर भी लगाऊंगी, तो अगर हम इस यहाँ से इधर लेंगे फिर यहाँ से लेंगे तो वो जॉइंट दिखेगा। अगर हम इस तरह से यहाँ पर लगा देंगे तो ये जॉइंट हमारा कवर हो जाएगा, जो इसकी फिनिशिंग है। तो देखिए इस तरह से आ जाएगी। तो हम अभी यहाँ पर स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग। जो हमारा ये विदाउट लाइनिंग है वहाँ से हमको स्टार्ट करना है। जैसे कि हमको यहाँ तक लगानी चाहिए, अगर हम यहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे तो यहाँ पे इस तरह से ये हैवी हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इससे बेहतर है आप लास्ट तक लगा लें और यहाँ पे हम जो काज बनाएंगे वो आ जाएगा इसके ऊपर। अभी मैं यहाँ पर भी एक स्टिच डाल देती हूँ और जो ये दूसरा साइड है यहाँ पर भी एक स्टिच डाल देती हूँ जिससे कि ये सेट हो जाए।
तो ये मैंने नेक में भी लगा दिया, साइड में भी लगा दिया, अभी जो हमारा कमर है मैं यहाँ पर भी लगा दी। ये आपको ऑप्शन है, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो अभी चलेगा। तो सेम हम किनारे से स्टार्ट करेंगे इसको भी। अभी हमने नीचे भी लगा दिया, तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है। और इसी तरह मैं साइड का दूसरा पीस भी तैयार करूँगा। ये मैंने दूसरा पीस भी तैयार कर लिया, तो देखिए ये इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पर हम एक बटन लगा देंगे और यहाँ पर हुक लगा देंगे, तो इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। आप इस आसान तरीके से इस तरह का डिजाइनर ब्लाउज बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।